भी नहीं मांग सकती, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस मेरे को किसी वृद्धाश्रम में या कोई ऐसा आश्रम हो, मैं मेहनत करूंगी। तो आया, मैं उसको देख के हैरान हो गई, फौज की वर्दी में मुझे कहता है, मेरे को सैल्यूट मारा उसने, मेरी छाती जो है ना गर्व से फूल गई। मैं भी एक फौजी की माँ हूँ और मैं भी दम रखती हूँ, मैं अपना कमाऊंगी भी और खाऊंगी भी। मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए तो मेरी आपसे हाथ जोड़। बेटा, एक मिनट, मेरी बात सुनो, कुछ बात करनी थी आपसे। क्या बात हो घंटे? कुछ हेल्प चाहिए थी बेटा आपसे, प्लीज। मैं बहुत देर का देख रहा हूँ आंटी, आप क्या कर रहे हो, मतलब क्यों लोगों को रोक रहे हो बार बार? आप बैठिए ना, मैं बताती हूँ आपको। बात क्या आंटी, बात तो बताओ, बैठ तो जाऊँगा मैं। बात बेटा ऐसी है कि मेरा बेटा ना आर्मी में था और वो शहीद हो गया देश के लिए। मतलब ये कोई टाइम पास मत करो। टाइम पास नहीं कर रही हूँ बेटा, प्लीज़ मेरी बात पे विश्वास रखो, मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, दो मिनट लगेंगे आप। आंटी, मेरे बेटे के शहीद होने के बाद में नहीं, मतलब क्या है आप मेनली क्या बताना चाहते हो मेरे को? मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बहू ने मेरे को घर से निकाल दी है। अच्छा। मेरा एक छोटा पोता है। अच्छा। मेरा 24 साल का बेटा फौज में था और वो शहीद हो गया देश के लिए। फिर एंटी गवर्नमेंट ने भी तो करा होगा ना कुछ? गवर्नमेंट ने किया, मैंने सब पोते के नाम, बहू के नाम कर दी। अब वो क्या है, मुझे घर से निकाल दी है, अपने भाइयों को रखी हुई है अपने पास। झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं सच बोल रही हूँ बेटा, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मेरी बात पे भरोसा रखो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जा कर के बेशक घर में देख लो। कहाँ पे रहते हो आप? ये पीछे सोसाइटी फ्लैट है ना? हाँ, वहाँ पर है। अच्छा, कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे हो गए हमारे को 10-12 साल हो गए। फिर आर्मी में तो क्वार्टर नहीं मिलते आंटी? आर्मी के क्वार्टर जब मेरा लड़का ख़त्म हो गया ना, तो जो उसका पैसा वगैरह मिला था ना, उसका मैंने ये खरीद ली थी और अपनी बहू के नाम करवा दी थी, पोते के नाम करवा दी थी। लेकिन मुझे क्या पता था बेटा कि इस उम्र में मेरे को धक्के मार के निकाल देंगे वो घर से बाहर। मैं भी एक फौजी की माँ हूँ, मेरा भी दिल बहुत मजबूत है। नहीं आंटी, मजबूत आपकी बात बढ़िया है, मैं उनके भरोसे में नहीं रहूँगी। कितने हमारे अंकल भी थे ना, वो भी फौज में थे, लेकिन वो तो रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हुए। मेरा बेटा 17 साल 8 महीने का था जब फौज में गया। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और जब पहली बार, पता है तुम्हारे को, पहली बार जब वो आया ना वहाँ से फौज से, तो आया, मैं उसको देख के हैरान हो गई, फौज की वर्दी में मुझे कहता है, मेरे को सैल्यूट मारा उसने, मेरी छाती जो है ना गर्व से फूल गई। आंटी रो मत, रो मत, आराम से बैठ। भाई देखो आंटी, मैंने कैमरा लगवाया था, देखो रो मत एक बार तो पहले, ठीक है? आप लोगों से बार बार रोक रहे थे ना, मैंने इसी समझ के कैमरा लगवाया था, ये सामने कैमरा लग रखा। अच्छा बेटा। हाँ आंटी, रो मत, आराम से बताओ। मैं सोच रहा था कि आंटी ये आते जाते पार्क में मांगते नहीं है और वो मतलब झूठे बहुत झूठ बोलकर। नहीं, मैं कुछ भी नहीं मांग सकती, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस मेरे को किसी वृद्धाश्रम में या कोई ऐसा आश्रम हो, मैं मेहनत करूंगी, वहाँ पर रहूंगी मैं, बस मुझे वहाँ तक जाने के लिए भी मेरे पास एक पैसा नहीं है। बैठो आंटी, मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ, कितने साल का लगा था आंटी? है? अब बच्चा कितने साल का लगा था आपका आर्मी में? 17 साल 8 महीने का था वो। और अभी वो शहीद कितने साल के हुए हैं? 24 साल की उम्र में हुआ है वो। 23 साल का था, उसकी शादी कर दी थी मैंने। फिर आप ऐसे क्यों घूम रहे हो आंटी अभी, कि मतलब किसने आपको? नहीं, मेरे बहू ने मेरे को निकाल दी घर से, अपने भाइयों को अपने घर में रख ली है। मेरा छोटा सा पोता है, मेरे बेटे ने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, वो पैदा हुआ है उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया वो, और ख़त्म हो गया बेचारा। भाई ऐसी होती है एक फौज वाले की ज़िंदगी, तुम्हें वैसे लगता है आर्मी वाले भाई, जो उनको अपने देश भारत के बारे में बताया जाता ना, ऐसे आदमी को सल्यूट है भाई। भाई इन माँ का कहना है, इनका बेटा 17 साल 8 महीने का नौकरी लगा और 23 साल की शादी हुई। 23 साल की उम्र में उसकी। रो मत आंटी, रो मत आंटी, आंसू पोछो, सही दुआ है, देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। बहुत प्राउड फील करती हूँ बेटा।
मेरी छाती चौड़ी हो जाती है। नहीं, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए भाई। एक माँ को अभी भी बेटा खोया है, अभी भी उसके लिए प्राउड फील है भाई। पर भाई वो भाई जो मेरा शहीद हुआ, इनका लड़का, वो अपनी बच्ची की, बच्चे की, बच्चा है, लड़का है, लड़की, लड़का है बेटा, लड़के की शक्ल सूरत तक नहीं देख पाया, उसको वो नसीब नहीं हुई। और अभी इनकी बहू को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इनको घर से बाहर निकाला है। शर्म करो भाई, कैसे औलाद हो तुम, कैसे किसी ने, उस लड़की के माँ बाप, तुम भी शर्म करो। अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो ना, ये वीडियो तुम तक पहुँचनी चाहिए। इतना शेयर करो भाई वीडियो को कि उसके माँ बाप तक और उस तक पहुँचे ये वीडियो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसका जितना पैसा था ना, मैं पोते के नाम से और बहू के नाम से मकान भी ले दी हूँ और उनकी FD भी करवा दी हूँ मैंने। मुझे पैसों का लालच नहीं है बेटा। फौजी आए थे, बड़े बड़े अफसर आए थे, सैल्यूट मारे मेरे बेटे की जब उसका अंतिम संस्कार करके, अंतिम संस्कार में। मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ इस बात का। लेकिन जो बहू ने की ना, बहुत गलत की है, अपने भाइयों को भी। लेकिन मैं भी एक फौजी की माँ हूँ और मैं भी दम रखती हूँ, मैं अपना कमाऊंगी भी और खाऊंगी भी। मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी ऐसी जगह या तो मुझे छोड़ दो या मुझे बता दो आप। भाई एक NGO है, तो आप, मेरा NGO आंटी देखो, वो वैसे तो बहुत वैसे जो अपाइज हैं, हाँ, वैसा है। अच्छा। पर मैं आपको भाई, आप बताओ, वैसे मैं आंटी को अपने साथ लेके जाऊंगा, जितने दिन तक होंगे वहाँ रखेंगे। ठीक है, ठीक है आंटी, ठीक है बेटा। तो बाद में अगर भाई किसी भी भाई का NGO है, कमेंट में बताओ जो आंटी को काम करवा सके थोड़ा बहुत। बाकी काम आंटी देखो, मेरे पास, मेरी तरफ से जितना मेरे में डोनेशन आएगा ना, आपका जितना बल पड़ेगा मैं अपनी तरफ से कर दूँगा बेटा। मुझे बस इतनी मदद कर दो, दोनों टाइम खाना मिलेगा, सेवा करूँगी लोगों की। मुझे दो रोटी चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए, बस। मैं किसके लिए जोड़ूंगी? हाँ आंटी, ये तो बात है, जो जोड़ने वाले हैं उन्हीं, जो देख लो उन्हें दे दी, उन्होंने घर से निकाल दिया भाई। एक फौजी की माँ है, हार नहीं मानेगी। पर भाई एक बात मेरे को अच्छी लगी इनके बेटे की, कि यार इतना सब करके अपने बेटे की शक्ल नहीं देख पाया, वो चीज़ भाई उसमें जज्बा था उस बंदे में। 17 साल का नौकरी लग गया 18 साल का होने से 2 महीने पहले 4 महीने पहले, और अपने घर वालों के लिए, अपनी माँ के लिए इतना कर गया। मैंने इनके अंदर दिल में वो दर्द देखा, वो खुशी देखी कि मेरा बेटा हमारे देश के लिए शहीद हुआ है। भाई आप लोगों का काम है इस वीडियो को फैलाना, और भाई जिस भी भाई का NGO हो, जो इन माँ को अच्छे से रख सकता हो, इनको पैसा जोड़ना नहीं है, बस सेवा करनी है वहाँ पे। सेवा करूँगी मैं, ठीक है। तो अगर भाई कोई भी हो NGO से, तो भाई कमेंट में बताओ, और भाई जो बंदा भी इनको लेके जाएगा, मैं उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दूंगा, जो तुम्हारे लिए भी काम आएगी और औरों के लिए भी काम आएगी। तो जल्दी जल्दी भाई वीडियो को शेयर करो, और आंटी मैं आपको अभी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बाहर गाड़ी खड़ी है, ठीक है, साथ में चलो। बैग उठाओ आपका, हाँ, आधार कार्ड है, हाँ, हाँ, पड़ा हुआ आधार कार्ड है ना, है ना। बस मेरे को और कुछ चाहिए भी नहीं, और कोई बात नहीं, आधार कार्ड पड़ा हुआ है इसके अंदर में। भाई कोई फेक होता ना तो अभी तक नहीं, इतनी बात बोलने तक ऐसे रोके नहीं दिखाता या वो के दिखाता। कम से कम कोई ऐसे भाई दुखी होके घूम रहा है, एक बार बात तो सुन लिया करो। मैंने सुनी भाई, मेरे को बहुत बुरा लगा। आगे आपका काम है वीडियो को फैलाना, तो भाई जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और फैला दो वीडियो।